खबर आपको रायपुर से बता दें, ननकीराम ने सीएम की तारीफ की है। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। बीजेपी के सांसद विधायक भी विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। वहीं बीजेपी विधायक का तारीफ करना सबको अच्छा लगा, ये कहना मंत्री रविंद्र चौबे का। कोरबा में सौगात के दौरान ननकीराम कंवर ने एक बयान दिया था, आप मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बने, ये कहना ननकीराम कंवर का। बता दें कि जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं आपको ये भी कोरबा जिले के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम राजनेता आदरणीय ननकीराम जी कंवर ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप विकास के इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि अब आपको मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये उनकी सद्भावना है। तो आपको बता दें कि आपने रविंद्र चौबे का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठतम नेता ने जिस तरह से तारीफ की है भूपेश बघेल की, ये बहुत ही अच्छी बात है। बीजेपी विधायक का तारीफ करना काफी अच्छा भी लगा है, तो निश्चित तौर पर राजनीति का एक अलग ही तस्वीर ये सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, राजनीति की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर जहां पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन इस ओर ननकीराम जी ने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की है। जी बिल्कुल, देखिए कल कोरबा जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम था, और इसमें कोरबा जिले के विधायक हैं ननकीराम कंवर, वो भी शामिल थे। और इस दौरान जो है उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शुभकामनाएं दी कि आप जो है मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और ये मेरी इच्छा है, उन्होंने ये शब्द कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने रिप्लाई भी किया और उन्होंने कहा कि ननकीराम कंवर जी, आपकी बात जो है नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि ननकीराम जो कंवर जो है समय समय पर छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है उसके विकास कार्यों की कई बार तारीफ किए हैं, और कई और इसके कारण जो है भाजपा के अन्य नेताओं को जो है बयान देने में या जो है उसके बोलने में जो है कई बार तकलीफ होती है। अब देखना होगा कि ननकीराम कंवर के बयान देने के बाद जो है मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देने के बाद जो है किस तरीके से भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन आप एक और इस पर देखिए किस तरीके से बीजेपी जो है के सांसद और विधायक भी जो है वर्चुअल कार्यक्रमों में राज्य सरकार के जो कई कार्य हैं उनकी तारीफ किए हैं। और जैसे रविंद्र चौबे ने भी बताया है अपने बयान में, कहा है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सभी जिलों में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें जो है जो बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक जुड़ रहे हैं, उसमें से सांसद जो है कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल जो ननकीराम कंवर का हमने देखा कि उन्होंने तारीफ की है, तो वो तारीफ हमको अच्छा लगा है, ये रविंद्र चौबे का कहना है। लेकिन दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि ननकीराम कंवर ने जो है केवल शुभकामनाओं के अलावा जो है उन्होंने शासन और प्रशासन की कई जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर भी उन्होंने शिकायत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। वो काफी मुखर थे जो है ननकीराम कंवर, उसके बाद उन्होंने यह शुभकामनाएं दी है। तो अब इस उनके बयान को कांग्रेस और बीजेपी किस तरीके से ले रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पर जो है अब कांग्रेस के नेता काफी सक्रिय हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो है राज्य सरकार की योजनाओं को जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, विधायक है, सांसद है, वो तारीफ कर रहे हैं। तो अब ऐसा देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़े। अरे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री आप बने, लेकिन काम अच्छा करें,